ये मोदी जो है ना सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा, एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है। और आज भी जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा। देखिए ये मोदी जो है ना सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। आपको याद होगा हमारे देश में अचानक एक बार बागलकोट की चर्चा शुरू हो गई थी, आपको याद होगा, जब मैंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया तो बहुत लोगों को समझ नहीं आया बालाकोट है कहां, तो बागलकोट को ही बालाकोट बांध करके यहां बम गिरे यहां बम गिरे चलाया, आधा पौना घंटा ऐसे ही चला। भाइयों बहनों, मैंने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया, चोरी छुपे के नहीं किया। एयर स्ट्राइक कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया आज हमने ऐसा ऐसा किया है और दुश्मन का इतना इतना नुकसान किया है। इतना ही नहीं, जब हमने एयर स्ट्राइक किया तो मैंने प्रेस को बुला के रखा था और फौज के लोगों को आया था 11 बजे प्रेस को बताना है, लेकिन मैंने कहा उसके पहले मैं पाकिस्तान को टेलीफोन करके सूचना दूंगा कि आज हमने रात को एयर स्ट्राइक की है, तुम्हारे इतने लोगों को मारा, इतनी तबाही की है, उसको बता दूंगा, छुपाऊंगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाले टेलीफोन पर ही नहीं आते थे, तो मैंने कहा इंतजार करो, हमारे फौज का लोग इंतजार करते थे। करीब 12 बजे बात हुई, उसके बाद मैंने दुनिया को बताया कि मैंने रात को एयर स्ट्राइक किया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़वा दिए हैं। भाइयो बहनों, ये मोदी छुपाता नहीं है, न मोदी छिप करके बाहर करता है, जो भी करता है सामने से करता है, देश के लिए करता है। और आज भी जो लोग मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मारने की हरकत करेंगे, ये नया भारत है, घर में घुस करके मारेगा।